सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्वरण के लिए अपना मानस तैयार करें हरिहता hmm. ले वो सिद्धा िनमोयारो स्वणश्नु मङ्गलाळिं च सभे जय बोलो देवादिदेव एक श्री भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पू पूज श्री विद्यागर जी महाराज की जय 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 बोले परम पूज मुनि श्री एक साठ प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 बोले परम पूज मुनि श्री एक साठ विराज सागर जी महाराज की जय 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 मनुष्य को प्रकृति की श्रेष्ठतम कृति के रूप में जाना जाता है जब कभी हम प्राणी जगत पर अपनी दृष्टि दोहराते हैं तो बाहर से हमें ऐसा कुछ नहीं दिखता जिसके बदौलत मनुष्य को श्रेष्ठ कहा जा सके न तो हमारे पास शेर जैसा पराक्रम है नहीं हाथी जैसा बल नहीं चीते जैसी चपलता है नहीं घोड़े जैसी शक्ति एक मच्छर भी हमें भीतर तक हिला दे, लेकिन फिर भी मनुष्य को प्रकृति की श्रेष्ठतम कृति कहा जाता है आखिर क्यों ये बात सच है कि मनुष्य के पास बाहर से ये सब चीजें नहीं है लेकिन फिर भी मनुष्य के पास एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जिसके बल पर वो शेर को भी पिंजड़े में बंद कर सकता है हाथी पर भी अंकुश लगा सकता है चीते को भी कैद कर सकता है और घोड़े पर भी सवारी पाने की क्षमता पा सकता है वो है उसका मन मन की शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है वस्तुतः तो मनुष्य के पास जो शक्ति है वो उसके मन की ही शक्ति है मने उत्कटाह मानवा मनुष्य शब्द की मानव शब्द की व्युत्पत्ति की गई जो मन से उठकट है यानी समृद्ध है पुष्ट है परिपक्व है वो मनुष्य है तो हमारे पास मन के रूप में एक ऐसी शक्ति उपलब्ध है जिसके बदौलत हम सारी दुनिया को अपने बश में कर सकते हैं आज बात मैं आपसे उसी मन की कर रहा हूं आपने देखा भारत में नाग पंचमी के दिन सांप को पूजने की व्यवस्था है लोग दूध पिलाते हैं सपेरा पिटारे में आकर के सांप को लाता है सांप दिखाता है लोग उसे दूध पिलाते हैं और वही सांप अचानक घर में निकल जाए तो उसे काल मानते हैं उसको देख कर कांपते हैं कई लोग उसे मार डालते हैं जो सांप थोड़ी देर पहले श्रद्धा का पात्र था वही सांप अचानक आ जाने पर काल का प्रतीक क्यों हो गया बात साफ है जो दशा सांप की है वही दशा मन की है मन यदि संयम के मन रूपी सांप जब तक संयम के पिटारे में है तो वो हमारे लिए पूज्य है और उस पिटारे से बाहर निकल गया तो वही काल है मन से हम अपने जीवन को ऊंचा भी उठा सकते हैं तो हमारा मन ही हमारे जीवन को नीचा गिराता है मन चढ़ाता है मन उतराता है एक ऐसी शक्ति है जैसे पारे को कोई सीधे खा ले तो पछता नहीं वो जहर बन जाता है शरीर से फूट फूट कर निकल जाता है लेकिन उसी पारे को संसाधित करके वैद्य यदि औषधि के रूप में दे तो श्रेष्ठतम रसायन बन जाता है तो मन अगर संसाधित है तो हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठतम रसायन है और मन यदि अशुद्ध है तो पारे से भी भयानक जहर है यह मारक भी है और तारक भी है अगर हमने मन को सही दिशा दे दी तो तय मानना वो हमारे जीवनोत्थान का आधार बनेगा और मन दिशाहीन हो जाए तो हमारा पतन अवश्यम भावी है आज चार बातें आप सबसे मन के संदर्भ में करूंगा मन की ही बात है आज म है ना मैंने सोचा आज थोड़ी मन की बात कर लूं ऐसे लोग अपनी मन की बात बहुत कम बोलते हैं है ना मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं बस जिस दिन हम अपनी मन की बात को साफ कर लेंगे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा सबसे पहली बात मन की मानना क्या मन की मानना आप अपने मन की मानते हो कि नहीं महाराज मन की मानते हैं किसकी मानते हैं सुनना सबकी मानना मन की मन की मानते हैं और मन की मानने से मन की मनमानी शुरू हो जाती है और जब मन की मनमानी होती है तो जीवन में खेल कौन सा होता है तुम्हारा मन क्या क्या कर रहा है तुम्हें इसका आभास है और मन की मान मान करके तुम्हारी जो दुर्दशा हो रही है उसका आभास है बोलो मन क्या करता है बैठा अभी प्रवचन में है वो कह रहा है अरे कहां प्रवचन में बैठे ठंड लग रही है चलो कुछ खा पी लिया जाए क्या बोल रहा है, है ना मन का स्वभाव वो प्राय गलत दिशा में जाता है और हमारे विवेक बुद्धि को नष्ट भ्रष्ट कर देता है अच्छे कार्यों में मन की रुचि अल्प होती है बुरे कार्यों में मन सदैव उत्साहित रहता है जो अपने मन की तरफ झुक जाते हैं वो अपना सब कुछ खो देते हैं जो अपने अंतरंग की मानते हैं वे ऊंचाइयों को छूते हैं और जो केवल मन की मानते हैं वे रसातल में जाते हैं मन क्या चाहता है आपने कभी अपने मन को पूछा विश्लेषण किया मन की जो भी इच्छा होती है ऑर्डर आता है आप उसकी पूर्ति में तुरंत लग जाते क्या करता है मन 24 घंटे हमारी इंद्री चेतना को उद्दीप्त करते हुए हमें दौड़ाता है विषयों की मृग तृष्णा में भगाता है मन को चाहिए भोग बिलास के साधन जिसकी पूर्ति में हम अपनी पूरी चेतना को झोंक देते हैं मिलता क्या है तसल्ली तृप्ति या प्यास पीड़ा अतृप्ति और आतुरता क्या मिलता है अनुभव क्या बोलता है बोलो है मन ने आज तक क्या दिया हाँ टेंशन की खुशी महाराज मन की मानते हैं कुछ पल को खुशी मिलती है लेकिन लंबे समय तक दुख मिलता है जो अल्पकालिक सुख दे और दीर्घकालिक दुख दे वो मन है थोड़ा फर्क करना कई बार आपके मन में द्वंद उत्पन्न होता होगा डबल माइंड चलता है एक मन कहता है ये काम करो और अंदर से आवाज आती है ये काम मत करो लेकिन जो हमारा ऊपर का तार्किक मन है वो उसके पक्ष में तर्क खड़े करता है और धीरे धीरे हम उसमें झुक जाते हैं उसकी माने लेते हैं नतीजा बुरा निकलता है बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है और कभी कभी बड़ी बड़ी विपत्तियों का भाजन बनना पड़ता है तब लगता रे काश उस समय हमने अपनी मन की बात को गौन कर दिया होता तो अच्छा होता एक आध ऐसी स्मृतियां महाराज एक हर पल लेकिन हम मन के इतने आदि हो गए हैं कि मन ने जो कहा उधर दौड़े तो उससे हमारा पतन शुरू हो जाता है मन अकारियों की तरफ उत्साहित होता है लेकिन उसके साथ यदि हमारा विवेक जागृत हो तो हम मन की मानते नहीं हैं कहते नहीं ये गलत है मन की मानोगे पतन होगा मन को मोड़ोगे जीवन धन्य होगा मन को की मानो मत मोड़ो मन केवल सुख की बात देखता है संत कहते केवल सुख में मत फिसलना हित को खोजना सुख तो थोड़ी देर के लिए है शराब पीने वाले को थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है लेकिन उसके बाद जब खुमारी उतरती है तो हालत क्या होती पर जो शराब के आदि है वो शराब कैसे दीवाने होते हैं कि उसके अलावा उसे कुछ सुहाता ही नहीं सिगरेट पीने वाले को पता है कि सिगरेट पीने से नुकसान है सब पता है लेकिन इसके बाद भी मन है कि मानता नहीं है सब चीजें ले लो सिगरेट लो गुटका लो नशा करने की चीज हो कोई भी व्यसन बुराई पाप पाखंड अनाचार ना भोग बिलास इसके प्रति हमारा झुकाव हमारे मन के कारण होता है आपके समक्ष कितनी भी बड़ी अच्छी से अच्छी सामग्री हो यदि आपका मन ना हो तो उसकी तरफ कोई आकर्षण नहीं अब मन हो जाए तो सड़ी सी चीज भी आपको प्रभावित कर लेती है मन दौड़ाता है हमें दुखी बनाता है वो अल्पकालिक सुख के पीछे हमारा सत्यानाश कर देता है संत कहते इस मन की मानना बंद करो क्या करो महाराज मन की माने नहीं तो मन मानता नहीं है कैसे मनाए मन को की मानने वाले दुखी होंगे और मन को मनाने वाले सुखी होंगे मन की मानना दुख का कारण और मन को मनाना सुख का आधार अभी तक तो मन की मानते आए आज मन को मनाने की बात आपसे कर रहा हूं दूसरी बात पहली बात क्या मन की मानना नहीं मन की नहीं मानेंगे मन को मनाएंगे अब मन को मनाने के लिए क्या होता है जैसे कोई आपका बच्चा होता है कुछ गलत कार्य करना चाहता है आप क्या करते हैं उसको प्यार से पुचकार के समझाते हैं आपके द्वारा समझाए जाने पर वो मान जाता है कि नहीं मानता अब बच्चा यदि उदंड हो और आप उसकी सारी जिद पूर्ति करते जाओ जिद जिद पूरी करो तो क्या होगा और बुरा होगा हमारा मन भी एक बच्चे की तरह है जो बड़ा उदंड है इसकी आपने हर मांग पूरी की इसलिए नाच नचा रहा है इसकी आदत खराब हो गई अब इसके लिए क्या करना है मनाना है मनाने के लिए क्या करना है जब किसी को आप समझाते तो क्या करते हिता हित का विवेक जिगाते बस मन को मनाने के लिए कुछ नहीं करना है हिता हित के विवेक का विचार करना है सेल्फ ऑटो सजेशन देना है नहीं भाई ये कार्य ठीक नहीं है यह उचित नहीं है हमें यह काम नहीं करना देखिए जब विवेक जग जाता है तो मन मान भी जाता है 24 घंटे में मन में कई तरह के विकार आते हैं लेकिन कई बार आप अपने मन की बातों को दबाते हो दुकान में ग्राहक है दिमाग खा रहा है मन में गालियां आ रही है कहां से आ गया दिमाग चाटने लेना एक न देना दो दिमाग चाटे जा रहा है मन में आ रहा है गालियां देते हो ग्राहक को क्यों नहीं देते क्यों नहीं दिया क्या हो गया मन को मनाया किसने मनाया किसने मनाया समझ रही बात तुम्हारे विवेक ने नहीं भाई ग्राहक को नाराज करना ठीक बात नहीं है तो ग्राहकों का स्वभाव होता है उसको संतुष्ट करके भेजना हमारा कर्तव्य है हम व्यापारी हैं अपनी दुकानदारी चलाने के लिए हमें अभी संयम रखने की जरूरत है है ना? रखते हो आ? मन मन गया मान गया ना मैं पूछता हूं दुकान में अपने मन को मना लेते हो और कार्यों में अपने मन को क्यों नहीं मनाते और कार्यों में अपने मन को क्यों नहीं मनाते जब मन के अंदर भोग विलास की इच्छा होती है अनुकूल वातावरण दिखता है मन भागता है उस समय यह क्यों नहीं सोचते अरे ये अल्पकालिक सुख है इसमें मेरी आत्मा का हित नहीं है इसे छोड़ो ये तो मृत है उस समय आप मन के बहाव में बह जाते हो पर जिनका विवेक जागृत रहता है उनका मन सतत संयत रहता है मुझसे एक बार किसी ने पूछा तीन अंतराय थे गर्मी का समय था उन्नीस की बात है हम विदिशा में थे वहां तो ऐसे ही टेम्परेचर बहुत हाई होता है एक इंजीनियरिंग के छात्र ने मुझसे पूछा महाराज आज आपका तीसरा अंतरा है कहीं आपका यह मन नहीं होता कि पानी पी लू मन तो है अब मन की बात तो मन ही जानता मुझसे उसने पूछा कि महाराज कभी आपका मन यह मन नहीं होता कि पानी पी लू बोले नहीं अंतराय आता है ना जिस घड़ी उस घड़ी ये मन नहीं होता कि अंतराय क्यों आ गया मन ये कहता है कि अशुद्ध भोजन हो गया छोड़ो क्यों हमने मन को मना लिया उसी क्षण अपने मन को कह देते देख तेरे पीछे हमने अपना दोनों हाथ फैलाया अब आज तेरे भाग्य में नहीं था अब जो होगा चौबीस घंटे बाद ही होगा अब अगले दिन होगा तब तक तुम्हें शांत रहना है मन अपने आप मान जाता है आपने देखा होगा कभी कभी जिद्दी बच्चे होते हैं जिद करते हैं लेकिन मां बाप समझदार होते हैं, उसकी तरफ देखते ही नहीं है थोड़ी देर रोएगा धोएगा बेचैन होगा फिर देखता भैया यहाँ चल ही नहीं रहा है अपने काम में लगता है कि नहीं लगता हा? लगता है अपने काम में लग गया पहले ऐसा अच्छा होता था घर में पांच सात संतान होते थे एक आध रूस गया तो रूस नहीं दे रूठ गया रूठ जाने दो फिर उसकी सब मांग पूरी नहीं होती थी बाद में अपने आप रस्ते में आ जाता था अब एक बेटा है मम्मी उसको बोलती बेटा खा ले नहीं खाएंगे बच्चा आगे आगे माँ उसके पीछे घूमती है उसकी सारी जिद पूरी कर दी जाती है पहले प्यार बढ़ जाता था प्यार एक जगह है लाड एक जगह है तो उसके कारण बच्चे आजकल बिगड़ रहे खैर ये दूसरा विषय है मैं मन की बात कर रहा हूँ मन की जिद पूरी करोगे मन नाच नचाएगा और मन को मान मन की मानना बंद करोगे अपने आप मन मान जाएगा तो मन को मनाना है तो मन की मानना बंद करो जो आए मन में नहीं ये नहीं अगर उचित है तो स्वीकार अनुचित है तो अस्वीकार उसके लिए चाहिए दृढ़ संकल्प आपने अनुभव किया होगा जिन चीजों के लिए आपने अंतर मन से संकल्पित होकर के छोड़ दिया वो चीजें सामने उपस्थित होने पर भी लेने की इच्छा होती है क्या क्यों जिसके पीछे कुछ पल के पहले पागल होते थे अब एक बार मन से उतर गया अब कोई आकर्षण नहीं मतलब मन मान गया ना कब मानेगा जब आप उसकी मानना बंद करोगे तब मानेगा तो मन को मनाना है तो मन की मानना बंद करो पहली बार क्या करो मन की मानना बंद करो अगर मानते रहोगे तो मुंह की खाओगे आते आए हो इसलिए उसकी मानना बंद करो आचार्य महाराज ने कहा मन का स्वभाव उस कुत्ते की तरह है जो प्राय मल शोधता है समझ गया स्वान सा सतत मल शोध लाता अपने निजानुभव शतक में उन्होंने लिखा वो गलत दिशा में ही जल्दी जाता है उत्पत्ति की ओर जाले जाता है नहीं हमें नहीं सुनना बोल रहा है बोलने ले दो लेकिन हम इतने मजबूत नहीं हैं संकल्प शक्ति स्थिर होने के कारण इच्छा शक्ति कमजोर होने के कारण व्यक्ति का मन ढुलक जाता है अभी थोड़ी देर पहले सोचा कि सिगरेट नहीं पीऊंगा अरे एक ले लो क्या हो गया मन बड़ा दुष्ट है और हमारा चित्त उसमें ढल जाता है दिल संकल्प अगर हृदय में जग गया तो उन विषयों की तरफ मन कभी जाएगा ही नहीं कभी नहीं जाएगा तो मन की मानना मन को मनाना मन को मनाने के लिए क्या करना है मन की मानना बंद करना है और उसके लिए दृढ़ संकल्प लेना है आगे चलो मन को मारना मन को मारना कई बार ऐसा होता है मन में बहुत इच्छाएं होती है सिचुएशन अनुकूल नहीं होती चाहते हैं कर नहीं पाते हैं तो क्या करते हैं आप मन मारकर बैठ जाते ये हताशा है संत कहते हैं मन को मारने से कोई फायदा नहीं है मन को मारो मत मन तुम्हारी ताकत है जिस मन को मारने की कोशिश कर रहे वही मन तुम्हें तारेगा मन को मारना नहीं है मन को मोड़ना है क्या करना है चार बातें पूरी ध्यान रखना मन की मानना नहीं मन को मनाना है मन को मारना नहीं मन को मोड़ना है को मार दोगे तो जीवन का उत्साह खत्म हो जाएगा बहुत सारे लोग हैं जो मन मारे बैठे रहते हैं डिप्रेशन क्या है मरे मन का ही तो परिणाम है जिनकी इच्छा शक्ति और जजीव सा समाप्त हो जाती है जीवन के प्रति उमंग और उल्लास नष्ट हो जाता है वे सब मरे मन वाले लोग हैं संत कहते हैं मन को मारना मत मन को जीवित रखना मन बहुत बड़ी शक्ति है बंधाए विषयाशक्तम मुक्त निर्विषयम मन मना, मना एवं मनुष्य कारणम बंध मोक्ष विषयों में आसक्त मन बंधन का कारण है और विषयातीत मन मुक्ति का आधार है मन ही मनुष्यों के बंध और मोक्ष का कारण है मन ही तुम्हें मारता है मन ही तुम्हें तारता है इसलिए मन को मारना मत तारने के लिए भी मन चाहिए क्या करो मन को मोड़ दो मन को मोड़ दो जो मन भोग की तरफ जा रहा उसे योग की तरफ मोड़ दो जो मन बिलासता की तरफ भाग रहा उसे वैराग्य से जोड़ दो जो मन पदार्थ की तरफ दौड़ रहा हो, उसे परमार्थ में मोड़ दो जो पैसे के पीछे पागल हो रहा उसे पुण्य में जोड़ दो मन को मोड़ना है क्या करना है और मन के मोड़ते ही क्या चमत्कार होता है देखिए एक पौराणिक घटना फिर कुछ अपने अनुभव की बात आपसे करूंगा सम्राट सेणी भगवान महावीर के दर्शन के लिए जा रहा था रास्ते में देखता क्या है एक मुनि महाराज बड़े कोपाविष्ट मुद्रा में है पूरा चेहरा तमतमाया हुआ है आंखें लाल आरक्त एकदम बड़ी बड़ी हो रखी है बाहु बाहू फड़क रहे हैं मुनि महाराज और इतने प्रचंड क्रोध की मुद्रा में देखकर सैनिक हैरान रह गया है। उसे कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है लेकिन वहां उनकी वंदना करके वो सीधे भगवान के शरण में पहुंचा और कहा भगवान अभी अभी रास्ते में मैं एक मुनि के दर्शन करके आ रहा हूं वे इतने गुस्से में क्यों और उनको किस गति का बंध होगा वो कहां जाएंगे भगवान ने कहा श्रेणी परिणामों की बड़ी विचित्रता है जिस समय तुम वहां से गुजर रहे थे वे तीव्र रौद्र ध्यान में थे और अगर अंतर मुहूर्त तक ऐसे ही टिके रहे तो सातवें नरक के बंध के योग्य हो जाएंगे कहां जाएंगे सातवें नरक जाएंगे बात आई गई हुई श्रेणिक लौटा तो देखता क्या है यहां का तो माजरा ही बदल गया जिस महाराज को वो क्रोध की मुद्रा में देखे थे और जिनके बारे में भगवान से सुनकर आए थे कि यदि ऐसे ही थोड़ी देर और टिक जाए तो साथ में नरक के बंध योग्य हो जाएंगे पर उन्हें तो केवल अज्ञान हो गया देवता उनका कल्याणक मना रहे हैं श्रेणी को कुछ बात समझ में नहीं आई कि जो जिसके लिए अभी थोड़ी देर पहले इतना गुस्सा और सातवें नरक में जाने की बात भगवान ने कही वो केवल ज्ञान कैसे पालिए क्या भगवान की बानी व्यर्थ हो गई हो भगवान की वाणी व्यर्थ हो गई अब क्या करे कुछ समझ में नहीं आया तो पता लगा भगवान की मानी व्यर्थ नहीं थी मन मुड़ गया बात यह थी कि जिस घड़ी भगवान श्रेणिक भगवान के दर्शन के लिए जा रहा था उस समय वो महाराज जो थे वो पहले एक राजा थे अपने बच्चे का अल्पवय में राज्याभिषेक करके दीक्षित हो गए पर उनके निकल जाने के बाद उनके मंत्रियों ने उनका राज हड़प लिया उनके बेटे और रानी को निर्वासित कर दिया अब महाराज ध्यान में थे जब इधर महाराज ध्यान में बैठे और कुछ मन चले निकले अरे ये तो हाथ पर हाथ धरकर बैठ गया राजकुमार रानी दर दर की भिखारी बन गई सारा राज्य लोगों ने हड़प लिया ये बात कान में आई मोह जग गया अच्छा क्या समझ रखा है इनने अभी अभी भी मेरे बाहुओं में दम है मैं एक एक को निपटाता हूं और उनको गुस्सा आया अपनी कटार निकालने के लिए हाथ कमर पर ले गए उसी समय सैनिक उधर से गुजर रहा था एक एक को निपटाता हूं गुस्से में कमर से कटार निकालने के लिए हाथ कमर तक ले गए और उनकी एक आदत थी जिस समय कटार निकालते थे उस समय अपना मुकुट संभालते थे अपना एक हाथ कटार पर दूसरा हाथ मुकुट पर पर कहाँ कटार कहाँ मुकुट कौन राजा कौन रानी कौन राजकुमार किसका राज्य किसकी सत्ता किसका साम्राज्य कौन शत्रु कौन मित्र अरे धिक्कार है मुझे जो अपने द्वारा छोड़ी हुई संपत्ति का मोह कर रहा हूं वो सत्ता अब बार की सत्ता नहीं भीतरी सत्ता का परिचय पाना है मुझे अब जमीन के टुकड़े में नहीं उलझना अपनी आत्म सत्ता को उदघाटित करना है एक पल लगा अपनी निंदा गढ़ा करी अपने आप को अंदर से धिक्कालना शुरू कर दिया और मन ही मन पश्चाताप करके मुड़ गए अपने मन को आत्मा से जोड़ लिए मन मुड़ा ध्यान में डूबे केवल ज्ञान हो गया क्या हो गया केवल ज्ञान हो गया किसका कमाल हुआ मन को मोड़ने का भैया मन मोड़ो आप मोड़ते नहीं हो तोड़ते हो खुद का और दूसरों का मन को तोड़ना नहीं मन को मारना नहीं मन को मोड़ना है जीवन के प्रति वास्तविक उत्साह जगाइए मन को मोड़िए मन को मोड़ने के लिए दो उपाय है एक है सम्यक दिशा दर्शन हम उसको सही गाइडलाइन दे एडवाइस दें अपने विवेक को जागृत रख के मन को आप अगर अपना सही परामर्श देंगे तो मन रिचार्ज हो जाएगा और उसके लिए क्या कीजिए सुबह से उठने के बाद कुछ ऐसी प्रार्थना और कामना कीजिए जिससे आपको आपके मन को संभालने की ताकत मिल सके आप अपने मन को एक दिशा दे सके एक गाइडलाइन आपको तय करनी है एक रेखा आपको खींच देनी है यह मेरे जीवन की मर्यादा है मुझे इससे बाहर नहीं जाना तो यदि आपने मन को सही दिशा देना शुरू कर दिया तो कभी गलत नहीं होगा लोग हम लोगों से पूछते हैं, महाराज आप सबके बीच उठते बैठते हो आपका मन कभी नहीं डगमगाता अरे भाई मन में हमने ऐसे कोडिंग पहले से फीट कर रखी है कि इधर उधर जाएगा ही नहीं आपने भी बहुत सारे ऐसी कोडिंग बना रखी है हर जगह आपका मन नहीं भटकता हर किसी के साथ मन नहीं भटकता हर प्रसंग में मन नहीं भटकता आपने अपने जीवन की जो सीमा रेखा सुनिश्चित कर रखी है मर्यादाओं की वहाँ मन पवित्र बना रहता है और जहाँ आपकी मर्यादाओं की सीमाएं टूट गई है वहाँ मन की कोई पवित्रता नहीं बचती है ना? क्यों ये हमने मन में ऐसी कोडिंग डाल रखी है तो आज आपके लिए कोई अभक्ष भक्षण करने के लिए कहे आप करोगे क्यों आपके मन में यह बात दिल दिमाग में बचपन से जन्म घुट्टी से बैठी है कि ये चीजें मुझे स्वीकार नहीं करना ये मेरे ग्रहण करने के अयोग्य है है ना कोई अलाचार करने की बात आपसे कर दी जाए आप करोगे नहीं करोगे क्यों नहीं ये मेरे अयोग्य है कदाचित उसमें मन आ भी जाए तो आप तुरंत मन को समझाओगे भैया नहीं करना खतरा है पकड़े जाओगे बदनामी होगी छवि खराब होगी प्रतिष्ठा खंडित होगी मन मानता है किसके कारण पहले तो आपकी वैसी कोडिंग है तो मन फिर कभी गड़बड़ाता नहीं और कभी डिकोड हो जाए मन गड़बड़ाने लगे उस समय यदि आपने अपने मन को ठीक रीति से समझाना शुरू कर दिया तो मन मान जाएगा मन मुड़ जाएगा नहीं ये हमारे लिए उचित नहीं है ये मेरे योग्य नहीं है ये अयोग्य है करनी अकरणी का विचार हिताहित का विचार कर ले तो मन फिर अपने आप संयत होता है शांत हो जाता है होता है तो मन को मोड़ने के लिए सही दिशा दर्शन दीजिए सुबह से उठ के अपने मन में कुछ ऐसे भाव और विचार भरिए जिससे जीवन में सकारात्मकता आए संतुलन आए संयम आए संतोष आए साहस आए समझ आए हम अपने जीवन को समग्रता के साथ जी सके और दूसरा प्रवाह परिवर्तन मन में जब बहुत ज्यादा आवेग उद्वेग आने लगे मन माने नहीं तो क्या करो कुछ अच्छा आलम्बन ले लो खूब खिन्न है उद्विग्न है उथल पुथल है कुछ अच्छा पढ़ने लगो कुछ अच्छा सुनने लगो किसी से अच्छी बातें करने लगो मन मुड़ जाएगा मन को मोड़ना सीखिए आप लोग बहुत सारे लोग हैं जब मन में कोई टेंशन होती है तरह तरह के आलम मन लेते हैं कुछ लोग खेलने में लग जाते हैं कुछ लोग पार्टियों में चले जाते हैं कुछ लोग पिक्चर देख लेते हैं कुछ लोग नशा करते इनसे क्या मिलता है क्या मिलता है थोड़ी देर के लिए मन बहल जाता है फिर वापस चीज़ें हावी होती है और समस्याएं हमारे सामने और विकराल बन जाती है होते ही संत कहते हैं मन को बहलाने में विश्रांति नहीं है शांति चाहते हो तो केवल मन को बहलाने की कोशिश मत करो मन को बदलने का प्रयास करो मन को बहला करके कुछ पल की खुशी पा सकते हो पर मन को बदलने से जीवन भर की शांति मिलती है बाहरी आलम्बन मन, मन को बहलाते हैं और तत्व ज्ञान से मन बदलता है तत्व ज्ञान का आलम बन लो मन को बदल लो नहीं ठीक नहीं आपने अनुभव किया होगा आपके जीवन में कई चीज़ों के बारे में आपका मन बड़ा उत्सुक हो ये चीज़ मुझे लेनी है लेनी है लेनी है और उसके लिए आप चाहे कुछ भी लगाने को तैयार है बाद में कोई आया भैया ले लो नहीं भैया अब हमारा मन बदल गया है ना अब मन पहले रुपये की चीज आप डेढ़ रुपये में ले रहे थे अब वो रुपये की चीज बारह में दे रहा है क्या हो रहा है मन बदल गया। क्या हो गया बदल गया तो मन को बदलिए मन को बदलने की कला सीखिए इसी कला में मन को मोड़ना जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हो तो मन को मोड़ने की कला सीखिए अच्छे अच्छे लोग हैं जिनका मन चल जाता है उनको क्या बोलते हैं? मन चले <laughs> अच्छे अच्छे, अच्छे उम्रदराज़ लोगों के मन की भी हालत खराब होती है मोड़ना सीखिए बहुत बड़ी दुर्बलता है मनुष्य की वो मन के आगे सरेंडर हो जाते हैं विषयों की लालसा उसे भीतर से उद्वेलित करती है शरीर में शक्ति नहीं है फिर भी मन हर पल उसके लिए लालायित होता है किसी कवि ने बहुत अच्छी बात लिखी बपूकुब्जीभूत शरणा यिशरना दंताली श्रवण विकलम स्रोत युगलम चक्षु तिमिर महो हो मनोते निर्लज्ज तदप विशेषुष कि बुढ़ापा आ गया शरीर जर्जर हो गया बुढ़ापे के कारण काया कुबजी हो गई कुबड़े हो गए कमर झुक गई कमर झुक जाने से गतिरअपचतया यष्टि शरणा उसके कारण तुम्हें अपने चलने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ रहा लाठिया टेकते टेकते टेक टेक टे चल रहे हो शीरणा दंताली मुख से बत्तीसी बाहर आ गए श्रवण विकलम सोत युगलम कान सुनने से जवाब दे दिए सिरह शुक्ल सिर में सफेदी आ गई चक्षु तिमरे पटले रावृतम आंखों के आ गया अंधेरा छा गया मोतिया बिंद हो गया आंखों से दिखाई नहीं कानों से सुनाई नहीं मुंह में दांत नहीं और शरीर में दम नहीं फिर भी तेने निर्लज तदपि वि विषय सुष्प कब्र में पांव लटक जाने के बाद भी तुम्हारा मन कितना निर्लज है कि विषयों के प्रति उत्साहित होता है अगर तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक चेतना जग गई वैराग्य के संस्कार तुम्हारे भीतर प्रकट हो गए तो कभी मन नहीं भटकेगा सही दिशा पकड़ेगा नहीं तो ये मन तुम्हारे लिए रुलाता आया है आगे भी रुलाता रहेगा आप लोग बोलते हैं हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे हम अपने विकारों को शांत करें काम क्रोध लोभ मोहों की वृत्ति को मन पर हावी न होने दे यही मन की जय है जिसने मन को जीत लिया उसने सब को जीत लिया जितम जगत के न मनोही न दुनिया को किसने जीता जिसने अपने मन को जीता मनो विजेता जगतो विजेता ये उक्ति है जो मन को जीतता है वो सबको जीत लेता है तो मन को मोड़िए मन को जीतने का यही रास्ता है चार बातें आज आपसे मैंने की मन की मानना आज से बंद करो मन को मनाने की कला सीखो मन को मारने का प्रयास कभी मत करना मन को मोड़ने की कोशिश करना अगर मन को मोड़ने में सक्षम बन गए तो तुम्हारा जीवन शिखर पर चला जाएगा बंधुओं कहते हैं पानी गिरने से कीचड़ मचता है कीचड़ कब पैदा होता है पानी, पानी गिरता है तब और कीचड़ को साफ कैसे करते हैं किससे करते हैं है? है ना जलेन जनितम पंकम जलेन एव मनसेव मन से व कृतम पापम मन से जैसे पानी कीचड़ मचाता है पानी कीचड़ को साफ करता है ऐसे ही मन से ही पाप का कीचड़ मचता है और मन ही उस पाप को साफ करता है तुम्हें तारेगा तो तुम्हारा मन ही तारेगा अगर उसे मोड़ लोगे तो इसलिए मन को मोड़िए धर्म से जोड़िए वैराग्य से जोड़िए सतपथ से जोड़िए शुभ संकल्पों से जोड़िए और जीवन को ऊंचाई तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए मंगल भावना के साथ मैं विराम लूंगा मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में हो मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में हो इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो मन में चिंता भय न सतावे रो रोग शोक नहीं हो मन में चिंता वे न सता रोग शोक नहीं हो नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो नहीं बैर अभिमान हो मन में शोभ कभी नहीं हो मैत्र प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में हो मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में हो मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगल में हो मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगल में हो इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो मंगल में हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो मंगल में हो प्रातः रात सुमंगल हो जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो हर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो इस धरती का कण कण पावन, में कन -कन पावन अव, मंगल में हो इस धरती का कण कण पावन मंगल में हो मंगल मंगल हो जगत में सब मंगल में हो filter, man girl, मंगल मंगल हो जगत में सब मंगल में हो इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो सबका मन मंगल में हो और हमारा जीवन श्रेष्ठ बने इस स्वभाव